परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं और अपने आप को समर्पित करके ये कहना चाहते हैं, प्रभु आप हमारे उद्धारकर्ता हैं और आपके द्वारा ही हमें उद्धार प्राप्त हो सकता है। आप हमारी आशा हैं और आप ही हमारा जीवन है। प्रभु आपके महान अनुग्रह के द्वारा सब विश्वास करने वालों के जीवन में आपकी ओर से उद्धार का कार्य हो और आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो, आपकी सामर्थ हमारे निर्बल जीवन में, हमारी सारी निर्बलताओं में आपकी सामर्थ के द्वारा हम सिद्धता में आगे बढ़ें और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत सामर्थ्य के काम करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और चाहते हैं आज हमारे बीच में जब हम वचन के द्वारा आपकी पवित्र आत्मा की वाणी को सुनने जा रहे हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो और आपकी उपस्थिति का वचन हमारे हृदय में जाए, ताकि आप हम सबका जीवन उद्धार पाए और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि मनुष्य का हृदय क्यों परमेश्वर हमारे प्रेजेंट हार्ट को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, हमने ये देखा था। आज मेरे साथ एक पद निकालिए, हम इस बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे। यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय, और उसका 25 पद से पढ़ेंगे, 25 पद से। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से और मूर्तों से शुद्ध करूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दे के ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। देखिए परमेश्वर कितने बड़े बड़े वायदे कर रहा है, और ये वायदे जिन लोगों से कर रहा है, ये सबसे किए जा रहे वायदे, और इन वायदों को कैसे वो हमारे जीवन में पूरा करेगा, इसका पूरा प्लान उसने रखा हुआ। ये पूरा प्लान है और इसमें कई स्टेप हैं, और आज आप और हम और आप क्या देख रहे हैं कि संसार में कलीसिया जहां प्रभु ये सब कार्य हमारे जीवन में पूरा करेगा, ये कार्य पूरा हो ही नहीं रहा है, और हर व्यक्ति ये कहता हम तो विश्वास करते हैं, और पूछो किस पर, कहता परमेश्वर पर। कौन से परमेश्वर पर, यहां पे वो ब्लाइंड है, यहां पे उसको कुछ नहीं मालूम है,
वो नाम लेगा, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, अगर ये पूछ लो कौन से यीशु पर, तो घूम जाएगा। क्योंकि जिस यीशु, जो सच्चा यीशु मसीह है, बाइबल का प्रभु यीशु मसीह है, वही ये काम करेगा जो यहां भविष्यवाणी में बताया जा रहा है। और वो इतने चरणों में ये काम करेगा, और आज आपको वास्तविक रूप में ये चरण में काम होता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि सच्चे सुसमाचार का लोगों लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और उसका प्रचार भी नहीं है। और जिस सुसमाचार का प्रचार हो रहा है वो प्रभु यीशु मसीह का, जो बाइबल का प्रभु यीशु मसीह है उद्धार करता, उसका सुसमाचार ही नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। इसी पद को इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इजीकियल चैप्टर 36 वर्स 25 ऑनवर्ड्स, 25 to 28, इजीकियल चैप्टर 36 वर्स 25, then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your uncleanness and from all your idols will I cleanse you। एक मिनट रुकिएगा, मैं तुमको तुम्हारी सारी, तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। अब आप ये बताइए आत्मिक जल क्या है। पढ़ने वाला व्यक्ति इस जल की बात सोचेगा कि प्रभु हम पर जल छड़केगा। ये जल नहीं छड़केगा, भौतिक जल जिससे हम लोग स्नान करते हैं, ये शरीर को साफ करने वाला जल है और ये भौतिक जल है, इसकी बात यहां पर नहीं की जा रही है। अब आप ये बताइए, आप भाषा पढ़ लेते हैं तो आप बाइबल में ये बात पढ़ तो लेंगे, लेकिन आप इसको समझेंगे कैसे। यहां पे जिस जल की बात कर रहा है वो आत्मिक जल है, परमेश्वर का स्पोकन वर्ड, पवित्र आत्मा के द्वारा बोला, बोली गई वाणी जो है वो पवित्र जल बोली गई। और पवित्र आत्मा की बातों को लोग एक्सेप्ट नहीं करते। पवित्र आत्मा जब आपको वचन बोलता है और आप सुन रहे हैं बैठ के, तो ये पवित्र जल आप पर छड़का जा रहा है। और इस जल से क्या होगा, इससे बहुत थोड़ा सा काम होता है, मैं तुम्हारी सारी अशुद्धता से तुम्हें शुद्ध करूंगा। तो ये तो जनरल क्लीननेस हो गई। जी आगे पढ़िए, उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, इसके बाद सेकेंड स्टेप ये है कि मैं तुमको नया हृदय दूंगा और तुम्हारे अंदर से वो पुराना हृदय निकालकर बाहर कर दूंगा। एंड अ न्यू स्पिरिट, एक नई आत्मा विल आई पुट विद इन यू, तब मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा डालूंगा। एंड आई विल टेक अवे द स्टोनी हार्ट, यानी पुराना वाला पत्थर वाला दिल निकाल कर, जो ढीठ है, घमंडी है, और यानी हार्ड हृदय जिसमें समझ नहीं होती है, वही हार्ट होता है बहुत कड़क, जिस जो अपने मन की करने वाला, यू कह लीजिए, बहुत सरल भाषा बता रहे, सुनेंगे सबकी, करेंगे वही जो मन में आएगा, ये हार्ड हार्ट है, स्टोनी हार्ट। मैं तुम्हारे अंदर से हृदय, पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, इसका मतलब परमेश्वर हृदय परिवर्तन कैसे करता है, मन बदल गया ऐसे ही बैठे बैठे। आज कहीं भी आप जाइए किसी कलीसिया में, वहां सब लोग अपने मन के आधार पर मन परिवर्तन करके बैठे हैं। कोई परमिशन किसी का हृदय, एक्सचेंज ऑफ हार्ट होना चाहिए। यहां पे उसने ये नहीं कहा मैं पुराने दिल को रिपेयर कर दूंगा, उसे साफ कर दूंगा, उसको धो धा दूंगा,
परमेश्वर वो हमारा पुराना वाला हृदय एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ग्रहण करे, तो परमेश्वर आपको ग्रहण करने से पहले क्या करेगा? ये तो एक प्रोसेस है, ये एक दिन में होगा नहीं। आप समर्पित भाव से परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे और मानेंगे, यानी उस पर चलेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तब संभव है। गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर गारंटी नहीं लेता, मनुष्य की गारंटी कभी नहीं लेता। मनुष्य की गारंटी इसलिए नहीं देता है क्योंकि किसके दिमाग में कब क्या विचार कहां से कट लग जाए ये परमेश्वर भी नहीं जानता, क्योंकि मनुष्य अपने मन का मन की करता है। इसीलिए उसने कहा तुम मनमानी करते हो, उसी को वो हार्ड हार्ड बोल रहा है। और ये एक प्रयोग है, उद्धार एक प्रयोग है परमेश्वर का। काम अगर आपका समर्पण सही हुआ और आपने परमेश्वर के वचन को ध्यान धर के सुना, समझा और ग्रहण कर लिया कि हाँ प्रभु मैं अपना समर्पण करता हूं, अब मैं अपनी शारीरिक क्रियाओं को छोड़कर पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे मन से आप ही की बातों को माना करूंगा, आप ये बताइए कि ये वाली कंडीशन कितने लोग अपने जीवन में लागू कर चुके हैं? अगर ये अभी तक लागू नहीं है तो संभव है कि कार्य आपके जीवन में पूरा होगा ही नहीं, और जब तक होगा नहीं तब तक ग्रहण नहीं होंगे। हम आपको बिल्कुल ट्रुथ बता रहे हैं, ये सत्य है, और इसलिए ट्रुथ बता रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें सत्य बोलने के लिए ही नियुक्त किया है। हम आपको पटाकर धोखे में, भ्रम में, अपने साथ भीड़ में जोड़े रहे, आप हमारे पास भीड़ लगी रहे, इसलिए हम आपको सत्य बता रहे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए, आप ये असेस कर ले कि मेरे जीवन में ये कार्य पूर्ण कैसे होगा। जब तक आपका समर्पण नहीं होगा प्रभु काम करेगा ही, प्रभु का काम आपके समर्पण के बाद ही शुरू होगा। और जब तक आप समर्पित नहीं होंगे शुद्ध जल छिड़कता रहेगा, यानी आप वचन सुनते रहो, ये वचन का कोई प्रभाव आपके स्वभाव में, आपके विचारों में, आपकी इच्छा और भावनाओं में कहीं दिख रहा है आपको? नियंत्रण आ जाना चाहिए था अब तक, इतना नियंत्रण के पवित्र आत्मा कहे कि ये मत करो, ओके। वो हमारा बॉस है, यस बॉस, उसको आपको नो नहीं कहना है और उसके आगे तर्क नहीं रखना, यही खास बात है। आगे पढ़िए, इसके बाद हृदय एक्सचेंज करेगा। इंग्लिश में पढ़िए, हाँ, A new heart will I give you and the new spirit, एक नई आत्मा will I put within you, तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा डालूंगा जी, and I will take away the stony heart, वो हृदय ले लूंगा, take away का मतलब निकाल दूंगा, आउट ऑफ योर, तुम्हारे हृदय में से, तुम्हारे शरीर में से, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के बाहर कर दूंगा, एंड गिव यू अ हार्ट ऑफ फ्लैश, एक मुलायम दिल दूंगा जो पवित्र आत्मा की बातों को तुरंत मानेगा और विश्वास भी करेगा और उसके अनुसार चलने लगेगा जी, एंड देन आई विल पुट माई स्पिरिट, तब परमेश्वर अपना आत्मा हमारे भीतर। अभी तक हम आपको क्या बता रहे थे कि जब कोई व्यक्ति बॉर्न अगेन होता है तो पवित्र आत्मा उसके भीतर आ जाता है, ये वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान उसको मिल जाता है, पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है, गिफ्ट। अब आपको ये गिफ्ट कैसे मिलता है? आपको प्रभु यीशु मसीह की देह में, आत्मिक देह अर्थात कलीसिया, इस देह में प्रभु जोड़ता काहे के लिए, ताकि आपका पत्थर वाला हृदय निकालकर
वो आपके और सब विश्वास करने वाले कलीसिया के सब विश्वास करने वालों के अंदर मांस का हृदय ट्रांसप्लांटेशन हो, यानी एक्सचेंज ऑफ हार्ट, वो हृदय निकाले और ये हृदय फिट करे, और उसके बाद सबको पवित्र आत्मा का वरदान मिले। कैसे? पवित्र आत्मा का वरदान सेवक होता है, और सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा जब आपके साथ संवाद करता है, वो संवाद आपकी आत्मा से करता है। तो आत्मा जो है, हर विश्वासी की आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होना शुरू होती है। फिर आगे पढ़िए, हाँ, एंड कॉज यू टू वॉक, यानी तब तुम्हें मैं ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा, और पवित्र आत्मा जो सेवक है वो पवित्र आत्मा का वरदान है, ताकि पवित्र आत्मा सेवक के द्वारा पवित्र तुम्हारी आत्मा पवित्र आत्मा के अनुसार चलना शुरू कर दे, आज्ञा मानना शुरू कर दे और आज्ञा मानने लगे। जी, ताकि तुम मेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना शुरू कर, और तब तुम मेरी विधियों को मानने लगोगे, और तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं चाहूंगा। जब पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलेंगे तभी संभव होगा। अब यहां पर देख रहे हैं आप कि ये काम वो करेगा कहां? कलीसिया में। इसी के लिए तो उसने बोला था, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और ये कलीसिया जिसे यीशु मसीह ने कहा था मैं बनाऊंगा, उसके लिए उसने एक चैलेंज किया है, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगते हैं वो जयवंत और फलवंत होने लगते हैं, ये उनकी पहचान है। फिजिकली कुछ नहीं होगा, फिजिकली हो सकता है कि हमारी इमेज है शारीरिक तौर पर, हम बहुत पहले बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति थे, बड़ा नेम फेम था मेरे पास, लेकिन जब हम प्रभु को समर्पित होते हैं ना, तो धीरे 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 हमारा जो शारीरिक छवि होती है वो छवि धूमिल होने लगती है। लोग कहने लगे, यार ये तो बहुत सीधा साधा सा है, ये तो बड़ी जल्दी माफी मांग लेता है, ये तो ऐसा। ये पौलुस को आप देखिएगा, पौलुस पहले कितना खतरनाक था, और उसके बाद पौलुस ऐसा हो गया कि उसको लोगों ने कितनी बार, तीन बार, उसने तीन बार बेतों से मार खाई और पांच बार 39-39 कोड़े खाए। ये क्यों उसके साथ हुआ? क्योंकि उसने पहले जैसी छवि उसकी अब नहीं थी कि बात बात में। ये क्या हुआ और उसके जीवन में क्या हो गया था? ये था प्रभु यीशु मसीह के प्रति उसका जीवन समर्पण। ये समर्पण आपको कहीं दिख रहा है किसी के जीवन में? अगर आपको ये समर्पण, जिसकी अपनी छवि कुछ ना रहे, तभी तो उसने कहा था अब मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। जब वो मुझ में जीवित होगा ना, तो हम मसीह में होकर राज्य करेंगे, लेकिन बिना उसके हम केवल 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 मुंह की बातें कर सकते और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ तो उसी को प्राप्त होगी जिसके जीवन में एक्चुअल काम होगा। आज हम लोग इसी बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपको यहां पता चल गया परमेश्वर पुराना हृदय निकालता है और नया हृदय देता है, उसकी उसी के बाद पवित्र आत्मा आपको मिलता है, और वो भी पवित्र आत्मा का वरदान मिलता है आपके अंदर। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, हार्ट मीन्स इनर मैन, यानी बाइबल के अनुसार हृदय का मतलब क्या है? हमारा भीतरी मनुष्य। गॉड क्रिएटेड अस विथ थ्री पार्ट्स, परमेश्वर ने हमको तीन भागों में बनाया है। वो तीन भाग कौन से हैं? स्पिरिट सोल एंड बॉडी, आत्मा आत्मा प्राण और देह। सो वेयर डज आवर हार्ट फिट इन? अब ये तीन भागों में हमारा हृदय कहां फिट होता है? हृदय कहां फिट होता है? देह प्राण आत्मा, आत्मा प्राण और देह, इन तीनों में से हृदय कहां फिट होता है? हम कहें तीनों में फिट है तो, क्योंकि हृदय तो
हाँ, प्राण में हमारा एक्चुअल में वो प्राण वाला पार्ट है, लेकिन वो हमारा शरीर का पार्ट भी है। अगर आपका हृदय एक ऑर्गन है तभी तो डॉक्टर उसको ट्रीट करता है कि नहीं करता है। फिजिकल बॉडी में फिजिकल ऑर्गन है कि नहीं हृदय? ये फिजिकल हार्ट जो है ये फिजिकल ऑर्गन है, तो स्पिरिचुअल हार्ट क्या है? आज हम लोग यही देखेंगे बाइबल के अनुसार हृदय का तात्पर्य क्या है। परमेश्वर ने हमें तीन भागों में बनाया, आत्मा प्राण और शरीर। तो हमारा दिल कहां फिट बैठता है ये प्रश्न है। द वर्ड ऑफ गॉड शोज अस दैट आवर हार्ट इजंट अ फोर्थ सेपरेट पार्ट ऑफ आवर बीइंग। यानी बाइबल इस बात को बताती है कि हृदय चौथा भाग नहीं हमारे जीवन का। आत्मा प्राण और देह ये तीन भाग हैं और हृदय चौथा भाग नहीं है, बल्कि इंस्टेड आवर हार्ट इज अ कंपोजिशन ऑफ ऑल थ्री। यानी हमारा हृदय इन तीनों का मिश्रण है, यही तो लाइफ है। कंपोनेंट्स ऑफ आवर सोल, यानी ये हमारे प्राण का, हमारे प्राणों में तीनों चीजें फिट बैठती हैं, जैसे आवर माइंड इमोशन एंड विल, यानी हमारा मन, हमारी इच्छा और हमारी भावना, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्पिरिट, हमारी आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण भाग, यानी हमारा विवेक, आवर कॉन्शियस। ये सब चीजें, कॉन्शियस जो है वो हमारी आत्मा, ह्यूमन स्पिरिट। और कॉन्शियस आज क्या है? आदम के पतन के बाद से मनुष्य का जो विवेक है वो पतित विवेक है, उसका पतन हो गया। इसलिए आपके मन में ईमानदारी की परिभाषा क्या है और दूसरे के मन में ईमानदारी की परिभाषा क्या है और उसके मानक क्या, दोनों अलग अलग। आपके अंदर धार्मिकता की परिभाषा और उसके मानक और सामने वाले व्यक्ति के अंदर धार्मिकता की परिभाषा और उसके मानक अलग अलग। तो आप में कभी मेल होगा? आपकी अपनी धार्मिकता है, अपने मानक है, उनकी अपनी धार्मिकता और अपने मानक है, यही आपस में लड़ाई का जड़ है। विवेक, हर एक का विवेक अलग अलग मेजरमेंट में देख रहा है हर चीज को, तो कभी समानता नहीं आएगी, दुनिया में झगड़े बढ़ेंगे, यही कारण है। और आपने सुना अभी कल ही ये रिपोर्ट आई है कि कट्टरता बढ़ने के कारण दुनिया में हर जगह लड़ाइयां और युद्ध और मारकाट चल रही है, हर जगह कट्टरता। कट्टरता आ कहां रही है? विवेक, हमारे पैमाने अलग हैं और हम अपने पैमाने को, अगर मेरे पैरामीटर्स को कोई गलत कह रहा तो हम उसको मार रहे हैं, और हम दूसरे के पैरामीटर्स को गलत बोलेंगे तो वो हमको मारेगा, यही तो लड़ाई की जड़ है। सबके अपने अपने पैरामीटर्स हैं, ये विवेक का काम ही है पैरामीटर्स को सेट करना, और इसी से हमारी धार्मिकता बनती है। मेरे साथ आज कुछ पद देखेंगे हम लोग कि कैसे ये सारी चीजें, देखिए अभी हमने जितनी चार चीजें आपके सामने पढ़ी, और वो चार चीजें क्या हैं? माइंड विल इमोशन, मन इच्छा भावना, और चौथी है विवेक। ये चारों चीजें जो है एक्चुअली हृदय को ही दिखाती, ये चारों चीजों को मिला के हृदय बोलती बाइबल। अब पहला पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 4 पद। मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु ने उनके मन की बातें जान कर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो, करते हो, नहीं कहा, उसी समय कर रहे थे। और यीशु मसीह मन के विचारों को जान जाता था, और यीशु मसीह के लिए लिखा है वो कभी ना बदलने वाला प्रभु है। तो जैसा था कल आज और युगान युग एक साथ, तो क्या आज वो आपके मन को नहीं पढ़ सकता? जब आप कलीसिया में आते हैं ना, वो खट से पढ़ लेता मन, और इसीलिए पवित्र आत्मा आपसे तुरंत इंटरेक्शन करता है। और
आपको ये मालूम नहीं है कि आपसे, आप सोच रहे हैं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन बात पवित्र आत्मा कर रहा होता है। यहां पे लिखा हुआ यीशु मसीह उनसे कहना था, इसका मतलब थिंकिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड। ये जो विचार करना है, ये विचार, ये माइंड का काम है कि नहीं? और माइंड कहां है? माइंड हमारा हार्ट ही तो है, स्पिरिचुअल पार्ट माइंड है। बट द लॉर्ड जीसस आस्क्ड दिस आस्क्ड द स्क्राइब्स व्हाई दे वर थिंकिंग इन देयर हार्ट्स। यानी वो अपने दिलों में ऐसा गंदा विचार क्यों ला रहे हैं? सो दिस शोज दैट आवर माइंड इज पार्ट ऑफ आवर हार्ट। हमारा जो माइंड है वो हृदय का ही एक पार्ट है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 4, मत्ती 9 अध्याय का 4 पद इंग्लिश में। जी मत्ती, बट जीसस नोइंग सीन है, इसका मतलब यीशु मसीह उनके विचारों को देखकर बोल रहा था। Seeing their thoughts and said, Why do you think evil and harbor malice in your hearts? Harbor का मतलब समझते हैं? Harbor का मतलब नहीं मालूम? बंदरगाह, जहां पर ships आते और जाते हैं। उस जमाने में airplanes नहीं थे, बंदरगाह थे। विदेशों से तमाम जहाज आते थे पानी के बंदरगाह पे। आपका माइंड कहीं बंदरगाह तो नहीं है कि ढेर सारे उनकी भी बातें आ रही, उनकी भी बातें आ रही, उनकी भी बातें आ रही, सबको हम रिसीव कर रहे हैं, सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपका माइंड बंदरगाह तो नहीं बन गया। मैलिस का मतलब होता है गंदे गंदे, यानी हर चीज का उल्टा विचार, बुरे बुरे विचार। जी आगे, फॉर विच इज easier टू से योर सिंस आर, यानी अब ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए। उसी पद में फिर से पढ़िए, कहीं पर छूट गया थोड़ा सा, मैलिस तक पढ़ा था। इन योर हृदय, हृदय की बात कर रहा था, यानी माइंड का, माइंड कहां है आपका? लोग कहते हैं यहां है, ये है ना, ये माइंड नहीं है, ये बुद्धि है। बुद्धि और माइंड अलग चीज है, ये फिजिकल ब्रेन है एक्चुअली। माइंड कहां है? सॉफ्टवेयर हमारा कहां है जिससे हम चलते हैं? हमारा हार्डवेयर काम करता है, यानी हमारा शरीर काम करता है, उसका सॉफ्टवेयर क्या है? माइंड। और माइंड कहां है? हृदय। हृदय को ही माइंड बोलते हैं, और ये बात केवल बाइबल ही क्लियर करती है। अब इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय का 23 पद। प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसका 23 पद। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया के तन मन लगाकर, क्या कहा उसने? नहीं, प्रभु से लिपटे रहो नहीं कहा। हाँ, कैसे लिपटे रहो? तन मन लगाकर। आज लोग तन नहीं है और ना मन है, आधा तन आधा मन। अब प्रभु के पास आते हैं कि शायद आज लॉटरी खोल दे, आज शायद कुछ ऐसा मिल जाए, लेकिन प्रभु आपको टुकड़ा टुकड़ा कुछ भी नहीं देगा, आपको सीधे वारिस बनाएगा। लेकिन वारिस बनने की कंडीशन देख लो क्या है। वो कंडीशन तुम्हारे जीवन में पूरी होगी तो वारिस, और नहीं तो आशा है। आशा में आनंदित रहो और प्रभु में किस तरीके से तन मन लगाकर उससे लिपते रहो, तभी तो तुम्हारी आशा पूरी करेगा। हाँ आगे पढ़िए। वो ये दूसरी वर्ष हो गई ना, 23 पद खाली पढ़ना, इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। 23 वो वहां
वो वहां पहुंचकर अपने परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। ये पौलुस है, नहीं पतरस होगा, ये 9:11 पतरस होगा। अब यहां पर आप देखिए, इंग्लिश में पढ़िए इसको, हाँ 23:11-23। When he arrived and saw what grace, favor God was bestowing upon them, he was full of joy and he continuously exhorted, warned us and encouraged them all to cleave unto and remain faithful to and devoted to the Lord with resolute and steady purpose of heart, हृदय की दृढ़ता के साथ। देखिए इंग्लिश में एकदम क्लियर हो गया, टू पर्पस इज टू डिसाइड स्ट्रॉन्गली टू डू समथिंग विच इज एन एक्सरसाइज ऑफ आवर विल, यानी उद्देश्य के साथ प्रभु में जुड़े रहो, अपनी इच्छा के साथ प्रभु में जुड़े रहो। ये एक्चुअली इच्छा कहां है, ये हमारे हृदय का पार्ट है। इच्छा कहां पैदा होती है, आपके मन में अनंत इच्छाएं भरी हुई हैं, तो उसमें प्रभु के प्रति आपकी एक इच्छा कहां टिकेगी, जब तक आपकी वो तमाम इच्छाएं, तो प्रभु हमारा पुराना मन क्यों, हमारा पुराना हृदय क्यों हटाता है, क्योंकि उसमें तो अनंत इच्छाएं, अनंत भावनाएं, अनंत कल्पनाएं भरी हुई हैं। और जब आप प्रभु के पास आएंगे और जब आप देखेंगे अरे ये सब चीज तो हो नहीं रही, तो आप भाग जाएंगे। आपको बुरा क्यों लगा, क्योंकि आपके पास पुराना दिल है और पुराने दिल में तमाम इच्छाएं, भावनाएं और कल्पनाएं भरी हुई है जिन्हें प्रभु एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए वो पुराने हृदय को ही एक्सेप्ट नहीं करता, उसको निकाल के बाहर करेगा और अपनी तरफ से देगा। ये प्रभु के इस जो नया हृदय है, इसमें केवल एक ही इच्छा होती है, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में, बस ये इच्छा। और ये इच्छा आप अपने पुराने दिल में कभी ला नहीं सकते, कोशिश भी करेंगे तो संभव नहीं। अगर होता तो परमेश्वर ने फिर हृदय बदलने की बात क्यों करी, एक्सचेंज क्यों किया। अब इसके बाद आते हैं तीसरे पॉइंट पे, और तीसरा पॉइंट है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 22 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 22 पद। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। जब मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा तो तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। ये कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है, ये यीशु मसीह बोल रहा है, अपने चेलों से बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि मृत्यु पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण से पहले मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। जी, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा, यानी कोई छीन ही नहीं सकता है। अब आपके दिल में आनंद आया, ये आनंद रिजॉइसिंग रिलेटेड टू आवर इमोशन, ये हमारी भावना का पार्ट है। आनंद जो है एक भावना है, तो ये भावना का पार्ट है। इसका मतलब कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको जो नया हृदय देगा उसके अंदर आनंद की भावना होगी, और जो हमारे पास पुराना हृदय है इसमें आनंद नहीं समाएगा, आनंद आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर इतनी ढेर इच्छाएं, कल्पनाएं, भावनाएं हैं कि इसके अंदर हमेशा ये है कि प्रभु ने सब कुछ दिया लेकिन ये रह गया, प्रभु ने ये तो किया लेकिन ये देखिए ऐसे हो गया है, नहीं इसमें कमी रहेगी, हमेशा इसमें कभी आनंद नहीं आएगा,
पुराने हृदय में। बट हियर वी सी दैट आवर हार्ट रिजॉइसेस, यानी ये जो आनंद है ये कहाँ आया, हृदय में आया। तो ये जो इमोशन है, माइंड विल इमोशन, ये तीनों चीजें क्या है, हृदय। ये काम कहाँ हो रहा है, हृदय में, ये हृदय के भाव है। तो ये हृदय में सब प्रकार की भावनाएं आना, ये भी हृदय का ही पार्ट है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको, जॉन 16:22 इन इंग्लिश। जी, John 16:22 I have given to them the glory and honor which you have given me, that they may be one. That 16:22 पढ़ना है, ये वर्स गड़बड़ हो गई। John 16:22 So for the present You are also in sorrow, यानी अभी तो तुम्हें शोक हो रहा है, आगे and distressed but I will see you again and then your hearts will rejoice, तुम्हारे हृदय आनंद से मगन होने लगेंगे, and no one can take from you Your joy, gladness, delight, यानी तुम्हारा वो आनंद जो तुम्हारे हृदय में, कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। इसका मतलब हृदय आनंद यानी इमोशन कहाँ होता है, वो भी हृदय में। ठीक, अब इसके बाद चौथी पॉइंट पे आते हैं। चौथे पॉइंट में इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 22 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 22 पद। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए, कहां पे विवेक, किसका विवेक कहां है, हृदय ही विवेक है। हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं, यानी परमेश्वर के समीप आने के लिए भी आपको देह को शुद्ध जल से धुलवाना। शुद्ध जल है क्या, परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा बोली गई वाणी, ये आपको सुननी है और एक्सेप्ट करनी है। अगर आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी देह शुद्ध जल से धुलेगी यानी स्वच्छ होगी, और नहीं एक्सेप्ट करेंगे, केवल सुनने से नहीं, एक्सेप्ट करना, फॉलो करना। अगर आप इसको केवल सुनते हैं तो अपने आप को धोखा देते हैं, आपके जीवन में कोई परिवर्तन कभी नहीं होगा। ये सच्ची बात बता रहे हैं। आप याद कीजिए, हम शुरू में क्या कहते थे, पार्टिसिपेशन आपका जरूरी है, यानी आप भाग लीजिए। लोग परमेश्वर के वचन में एक्टिवली भाग नहीं लेते हैं, वो केवल श्रोता बनते हैं, सुनते हैं, हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा बस। जब तक आप भाग नहीं लेंगे एक्टिवली, पवित्र आत्मा काम करेगा ही, और जब तक काम होगा नहीं आपके जीवन में रिजल्ट आएगा नहीं, ये याद रखिएगा। हैविंग आवर हार्ट स्प्रिंकल्ड फ्रॉम एन ईविल कॉन्शियस इंडिकेट्स दैट आवर कॉन्शियस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर हार्ट। ये कॉन्शियस यानी आत्मा, हमारी आत्मा कहां है, विवेक, और ये है किसका, ये भी हृदय। जब हमारे हृदय को, वो पुराने हृदय को कह रहा मैं निकालूंगा, उसी के बाद वो कह रहा है कि मैं नई आत्मा, नई आत्मा। फिर से पढ़ दीजिए वो 36 में जाके 25 छोड़ दीजिएगा, 26-27 पढ़ दीजिए, यहेजकेल 36 का 26-27 फिर से देखिए। यहां पर पहले क्या करेगा, पहले वो हमारा हृदय बदलेगा, 36:26-27 दो पद। मैं तुमको इंग्लिश में निकाल लीजिए साथ साथ कंपैरेटिव, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा
दूंगा नहीं, एक चीज देगा और एक चीज पैदा करेगा। आप भाग ही नहीं लेंगे जब आप एक्टिवली उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपके जीवन में यह काम करेगा ही नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने चार प्रकार के सुनने वालों के विषय में बताया था। बीज परमेश्वर का वचन है, बीज सुसमाचार है, ये बीज है, और बीज बोने वाला प्रभु यीशु मसीह भी है और बीज बोने वाला शैतान भी है। तो दो प्रकार के बीज आपको मिलेंगे, यानी दो प्रकार के वचन मिलेंगे, दो प्रकार के व्यक्ति, दो प्रकार का वचन, दो प्रकार के संदेश नए नियम में, जंगली बीज और गेहूं का बीज। आप कौन से बीज को आपके हृदय रूपी भूमि में कौन सा बीज बोया और किसने बोया, ये मायने रखता कि नहीं? क्योंकि आप बाद में भूसी की तरह जला दिए जाएंगे अगर जंगली दाना हुआ जी। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय। तो ये हृदय बाद में बदल रहा है, सबसे पहले उसने क्या कहा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए 26, अ न्यू, यानी एक नया हृदय विल आई गिव यू। एक्चुअली यहां पर वो कह क्या रहा मालूम है, मैं तुमको नए सिरे से तुम्हारे विवेक को जो मर गया पतन के कारण उसको फिर से जीवन दे दूंगा। ये मनुष्य की आत्मा है, हमारा विवेक, हमारे विवेक में जीवन आएगा और विवेक भी हृदय का ही पार्ट है। इसीलिए कह रहा है आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट एंड अ न्यू स्पिरिट विल आई पुट विद इन यू, यानी तुम्हारे हृदय में ये नई आत्मा डाल दूंगा, ये बॉर्न अगेन होगा जी। एंड आई विल टेक अवे, वो पुराना जो कड़क कड़क वाला हृदय है उसको मैं निकाल लूंगा आउट ऑफ योर फ्लैश एंड गिव यू अ हार्ट ऑफ फ्लैश, यानी नरम सॉफ्ट हृदय तुमको दूंगा जी। इसके बाद 26 और 27, मैं अपना इसके बाद जब इतना पहला वाला पार्ट, इसमें कई पार्ट है पहले वाले में 26 पद में, जब ये मैं कर लूंगा इसके बाद मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। कब? जब ये पहला वाला पार्ट हो जाएगा तब होगा ना। आपको ये देखना और ये समझना है अपने बारे में कि आप कहां खड़े हैं। अभी आप वही पुराना दिल, पुराने विचार, पुरानी जीवन, हृदय जो है वो आपके पुराने जीवन को दिखा रहा है कि अभी भी वही पुराना मनुष्य बैठा हुआ, ओल्ड मैन, अभी वो मरा नहीं है। और जब तक वो मर नहीं जाएगा आपको नया मिलेगा ही। क्या करना चाहिए? सरेंडर का मतलब ही है कि पुराने को, प्रभु मैं मिट्टी तू कुमार, जो कुछ तू चाहे मुझसे कर, वो लातों से गूंदे, लातों से मारे, कुछ भी करे, वो हमें मुलायम करने के लिए मिट्टी, हम मिट्टी हैं, वो कुम्हार है, तो कुम्हार मिट्टी को मुलायम कैसे करता है जरा जाके सीख आइए। आजकल तो गांव देहात में मिट्टी के बर्तन बहुत मुश्किल ही से कहीं दिखते हैं, कहीं कहीं बन रहे हो, लेकिन आप देखिएगा कहां कहां से तालाब की मिट्टी भी लाते हैं उसमें, और उसको कैसे गूंथते हैं, वो कैसे तैयार की जाती है वो मिट्टी, तब उससे बर्तन बनाया जाता है। प्रभु हमको अपनी महिमा का बर्तन बनाना चाहता है और आप चाहते हैं कि वो आपको छुए भी ना, आपको आपको जरा सा पवित्र आत्मा कुछ बोलता है तो भड़कते हैं, तो इसका मतलब ये अभी टच मी नॉट, हमें मत छुओ, मैं जैसा हूं वैसे ही हूं। पवित्र आत्मा कभी आप में काम करना पसंद करेगा नहीं। बिल्कुल सरेंडर, प्रभु जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूं तू कुम्हार है। अगर वो कुम्हार है और आप मिट्टी की तरह लोंदे की तरह बन जाए, प्रभु
आपकी इच्छा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में पूरी हो, मैं अपना समर्पण करता हूं। और हम आपकी इच्छा के बगैर अब कुछ भी नहीं सोचेंगे, ना बोलेंगे, ना करेंगे। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत कार्यों के लिए जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं और सिर्फ आप करते हैं और आप कर रहे हैं। जो कोई अपने आप को समर्पित करेगा उसी के जीवन में आप काम करते हैं। जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित नहीं करता है, आपका कार्य उसके जीवन में शुरू नहीं होता है। और आपका कार्य हमारे भीतरी मनुष्यत्व में ही शुरू होता है और भीतरी मनुष्यत्व में ही कंप्लीट होता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए प्रभु, और हमें वो बनाइए जो आप बनाना चाहते हैं। हम वो नहीं बनना चाहते जो हमारा मन कहता है, जैसा हम चाहते वैसा नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते वैसा हमारे जीवन में हो, ताकि आपकी मर्जी पूरी हो और आप ही की महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।